अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो नया दिन नया व्लॉग। तारीख है 3 जनवरी 2023 और हम निकल चुके हैं हमारी डेली हसल के लिए। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि लास्ट में जब एकदम एंड हो रहा था व्लॉग, तो मैंने एक इमरजेंसी कॉल के कारण व्लॉग को एंड किया था वहाँ पर ही, ठीक है, आपने देखा होगा। तो और वो कॉल जो है मैंने यहाँ पर लड़का काम करता उसके पास आया था, क्योंकि मैंने उस दिन पे जब क्योंकि लेट हो गया था, 10 बज गई थी ऑलमोस्ट, तो मैं सोचा कॉल्स आने लग जाते हैं मेरे पास, क्या 10 बजे के बाद बहुत कॉल्स आते हैं। तो उसके बाद कॉल्स को मैंने एरोप्लेन मोड पे कर दिया। जैसे मैं ब्लॉग बनाते बनाते यहाँ से जा रहा था और गॉट अ कॉल आया, उसके लड़के के ऊपर मेरे चाचा का फ़ोन आया। मैं ब्लॉग बना रहा था तो मैं बोला रुक, उसको बोला रुक, वो बोलता है कि इमरजेंसी कॉल है, फटाफट अटेंड कर। तो फ़ोन कॉल अटेंड हुआ और उसमें वही कि भाई फिरोज भाई को एक फिर से हेमरेज हो गया है एंड दे हैव टू गो। वो लोग मेरे चाचा पापा लोग भाई दे रेस्ट टू द सूरत हॉस्पिटल। और उसके बाद जुमा का दिन था, फिरोज भाई सर्वाइव नहीं कर पाए वो हेमरेज को और अल्लाह ने अपने उनकी रहमत में बुला लिया, उनको अपनी रहमत में बुला लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, जो कुछ है वो अल्लाह का है, अल्लाह ने जब चाहा वो ले लिया, ऐसा है। समझ रहे आप मेरी बात? तो अल्लाह है भाई, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला फिरोज़ भाई की मगफ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला जन्नत में बड़े दर्जात अता फरमाए, अल्लाह ताला मगफ़िरत कर दे, क्योंकि अल्लाह है भाई। अब मैं जा रहा हूँ यहीं सी टाइम मस्जिद की तरफ। ऐसा है कि अभी तीन दिन हो गया है, 31st और 2nd और आज है 3rd जनवरी, 3 दिन हो गया। इसलिए इस्लाम में जो है मातम या शोक बनाने का सिर्फ 3 दिन है, उसके बाद दिस इज़ नॉट परमिशेबल, अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं करते। समझ रहे आप मेरी बात? तो गाड़ी को यहीं खड़ी करता हूँ और मैं आपको लेके चलता हूँ फिरोज़ भाई के वहाँ पर, देखते हैं वहाँ क्या। सुबह मैं पढ़ने ही जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर्दी भी तो ये छोड़ नहीं रही ना अपने को, सर्दी छोड़ने का नाम नहीं लेती मेरे को। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन अपने भी छोड़ देंगे ना, तो सर्दी क्या, सर्दी का बाप भी छोड़ देगा अपने को, समझ रहे? ऐसा है सीन शॉर्ट। तो चलते हैं अपने सी टाइप की मस्जिद के पास, जो आपने कई दफ़ा देखी होगी मेरे व्लॉग में। सी टाइप की मस्जिद ये जो है, ये सी टाइप की मस्जिद है और आपको पता है पीछे की तरफ ग्रेवयार्ड है, मतलब कब्रिस्तान है। अब क्या बोलूँ, मुझे सिर्फ एक बात याद आती है, एक बात, अल्लाह के नबी के जो सहाबा थे, द कंपेनियंस ऑफ नबी, जो अपने नबी से जान इशार मोहब्बत करते थे। हाय हाय, जब अल्लाह के नबी वज़ू करते थे तो सहाबी वो पानी को नीचे नहीं गिरने देते थे और अपने बदन पे मल लेते थे, कोई उसे पी लेता था। हाँ, मोहब्बत, अपने साथी की मोहब्बत, नबी तो है ही और एक साथी भी तो है,
मोहब्बत, गजब मोहब्बत थी भाई, सुभान अल्लाह। तो फिराज भाई और मैं 10 साल से एक साथ में काम कर रहे थे। वो मेरे चाचा है, बड़े चाचा है, बट हम लोग भाई की तरह रहे हमेशा। और मैं दूध शरीक भाई भी हूँ फिरोज भाई का, समझ रहे। मेरी दादी ने मुझे दूध पिलाया है, इसलिए मैं उनका दूध शरीक भाई भी हूँ। तो एक साथी से जुदा होना बहुत ही दर्द वाली बात है, दुख वाली बात है। और अल्लाह की मर्जी भाई, अब क्या बोल सकते हैं। रज़ीना बिल्लाही रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बी मुहम्मदिन रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाही आला कुल्ली हाल, अल्लाह का शुक्र अदा करना हर हाल में। हाँ, ऐसा है भाई। तो व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। फिरोज़ भाई की जो घर है वो उस तरफ है, तो मैं दिखाऊंगा नहीं व्लॉग में कहाँ है, बट व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं भाई। इंशाल्लाह कल बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। दुआ करें अल्लाह ताला मेरे चाचा की मगफिरत फरमाए, उनको जन्नत में बड़े दर्जात अता फरमाए, और उनको जो सारी घाटी है उसमें आसानी का मामला अल्लाह फरमाए, और उनको कब्र को नूर से मुनव्वर करे, और जन्नत की हवाएं कब्र में आवे ऐसे फैसले फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।